हाल ही ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। देखो एक खास रिपोर्ट। पांच सूबियां दियां विधानसभा चोणां दे विच जित हासिल करन तो बाद भाजपा ने हुण लोक सभा चोणां दी तैयारी खिंच दित्ती है, जदके दूजियां पार्टियां वल्लों भाजपा नूं मात देण दे लई पूरी ताकत लगाई जा रही है। एक पासे भाजपा की अगवाई वाला सत्ताधारी NDA गठजोड़ है, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ, जिस तों बाद जो सर्वेखण दे नतीजे सामने आए ने वह हैरान करन वाले ने। दरअसल इस सर्वे दे विच पंजाब दे वोटरां कोलों केंद्र दी मोदी सरकार दे कामकाज बारे सवाल पूछे गए सी, जिस दे जवाब दे विच 39% लोग PM मोदी दे काम तो बहुत संतुष्ट दिखाई दिते ने। इसे तरह 26% लोग घट संतुष्ट ने, 34% लोग मोदी सरकार के कामों तो असंतुष्ट दिखाई दिते ने। सर्वे के मुताबिक 1% लोगों ने पूछे गए सवालों का जवाब देना जरूरी ही नहीं समझिया। जेकर देश पद्धर दे उत्ते गल करिए तां सर्वे के मुताबिक देश के 47% लोग प्रधानमंत्री के काम तो संतुष्ट ने, जबकि 30% लोग घट संतुष्ट दिखाई दिते ने। इस दे नाल ही 21% लोग PM दे काम तो संतुष्ट नहीं हन, जबकि 2% लोगों ने इस बारे कोई भी राय सांझी नहीं की। पंजाब की गल करिए इत्थे सुखबीर बादल ने अकाली दल नूं मजबूत करन दे लई पूरा जोर लगा दिता है। ये रुसे लीडरां नूं मनाण दे विच लगे हुए ने, जिसका सार्थिक नतीजा सामने आ रहा है, क्योंकि कई रुसे हुए वड्डे लीडर अकाली दल दे विच वापस आ चुके ने। इत्थों तक सुखदेव सिंह ढींडसा ने भी सुखबीर की मुआफ़ी का स्वागत करदिया अकाली दल दे विच वापसी दे संकेत दे दित्ते सन। हालांकि यह गल अजे सिर्फ संकेतों तक ही सीमित है, हकीकत दे विच अजिहा हले कुछ भी नहीं हो सकिया। इसे विचकार इस चर्चा ने भी काफ़ी जोर फड़िया होया है कि अकाली दल अते भाजपा विचकार फिर तो गठजोड़ हो सकता है, क्योंकि पिछलियां कुछ चोणां की गल करिए कुछ अजिहियां सीटां सन जिथे अकाली दल अते भाजपा उम्मीदवारां दे वोट मिला के जित हासिल की जा सकती सी। इसलिए गठजोड़ की संभावना तो इनकार नहीं किया जा सकता। राजनीतिक पार्टियां सियासी फायदे दे लई कदों एकमिक हो जाण कुछ कहा नहीं जा सकता। पंजाब विच लोक सभा दियां 13 सीटां ने। पिछले नतीजियां दे उत्ते झात मारी जावे तां 2019 दियां लोक सभा चोणां दे विच कांग्रेस ने 8 सीटां जीतियां सन। अकाली भाजपा गठजोड़ नूं 4 अते आम आदमी पार्टी नूं सिर्फ 1 सीट दे उत्ते सबर करना पिया सी। जेकर उस तों वी पहला यानी कि 2014 दियां लोक सभा चोणां दी गल करिए तां अकाली भाजपा गठजोड़ सूबे दे विच 6 सीटां दे उत्ते जित हासिल करके सब तों वड्डी पार्टी वजों उभरिया सी। अकाली दल ने 4 अते भाजपा ने 2 संसदी सीटां दे उत्ते जित हासिल कीती सी। आम आदमी पार्टी ने पंजाब दे विच 4 सीटां जित के तीजे बदल वजों शानदार शुरुआत कीती सी, जबकि उस समय कांग्रेस नूं सिर्फ 3 सीटां ही हासिल हो सकियां सन। पर मौजूदा समय आम आदमी पार्टी कोल सिर्फ जलंधर वाली 1 सीट ही मौजूद है। हुण अगे किहड़ी पार्टी बाजी मारेगी इह तां आगामी लोक सभा चोणां दे नतीजियां तों बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हमदर्द TV।